नमस्कार दोस्तों, अब हम प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वृकक का क्या कार्य है? अपनी स्थिति के अनुसार केंचुए में कितने प्रकार के वृकक पाए जाते हैं? वृकक का कार्य संघ एनेलिडा के प्राणियों में उत्सर्जन हेतु विशेष प्रकार के कुंडलित रचनाएं वृकक पाई जाती हैं। ये जल संतुलन का कार्य करते हैं। वृकक के प्रकार, स्थिति के अनुसार वृकक निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं, पट्टीय वृकक, अध्यावरणी वृकक और ग्रसनीय वृकक। विभिन्न उपकला उत्तकों का वर्णन कीजिए। उपकला उत्तक कई परतों से बनी होती है जो उसके बाहरी और अंतरीय शरीर के अंगों को ढककर रखती है। उपकला उत्तक के प्रकार, सरल उपकला उत्तक, यह कोशिकाओं की एकल परत से बना होता है और ये गूहों, नलिकाओं तथा आदि जगह पर पाई जाती है। इसके अन्य प्रकार है, जैसे सरल शल्की उपकला, यह एकल शल्की कोशिकाओं से बना पतली सी परत होती है जो आपस में बहुत चिपकी हुई होती है। यह रक्त धमनियों, फेफड़ों और आँखों में पाई जाती है। सरल घनाकार उपकला, इसकी कोशिकाएं लंबी और चौड़ी होती है। इसका मुख्य कार्य स्राव और अवशोषण होता है। सरल स्तंभी उपकला, इस उपकला की कोशिकाएं लंबी होती हैं और आपस में सटी होती है। ये मुख्यतः अवशोषण का कार्य करती है। कूटस्तरित उपकला, ये मुख्यतः एकल कोशिकाओं से बनी होती है, परंतु इसमें कुछ कोशिकाएं बाकी कोशिकाओं से छोटी होती है। इस कारण ये बाकी उपकला से ज्यादा बहुस्तरीय लगती है। स्तरित शल्की उपकला, इस उपकला की बाहरी परत चपटी और शक्ली होती है और आंतरिक परत आयत फल की होती है। अंतवर्ती उपकला, इस उपकला में आयत फल की और स्तंभदारी कोशिकाएं होती है। ये पतली और खींचने योग्य होती है। इसके नीचे कोई परत नहीं होती और यह मूत्राशय और मूत्रवाहिनी में पाई जाती है। ग्रंथिल उपकला, यह एक मुख्य तरह की उपकला के बने होते हैं जो अवशोषण का मुख्य काम करते हैं। ये प्रोटीन और लिपिड अवशोषण का कार्य करते हैं। इसके प्रकार है, एक कोशिकीय ग्रंथि जिसे संतंत्र के म्यूकस की कोशिकाएं, बहुकोशिकीय ग्रंथि जैसे लार ग्रंथि की कोशिकाएं। तीसरा प्रश्न, तिलचट्टे के आहार नाल का नामांकित चित्र बताइए और उसका विस्तार में वर्णन करें। देवगुहा में स्थित आहार नाल तीन भागों, अग्रांत्र, मध्यांत्र और पश्चांत्र में बटी होती है। मुख एक छोटी नलिकाकार ग्रसनी में खुलती है जिससे एक सीधी और संकरी नली ग्रसिका निकलती है। ग्रसिका एक पतली भित्ति वाले कोश में खुलती है जिसे अन्नपुट कहते हैं, जिसमें भोजन संग्रहित रहता है। इसके पीछे ग्रंथिल जठर अथवा पेशनी होती है। इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है तथा स्तर की उपत्वचा 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वचीय दांत बनाती है। ये दांत भोजन के मोटे कणों को पीसने के सहायक होती है। पूरा अग्रांत्र अंदर से उपत्वचा से आस्तरित रहता है। मध्यांत्र एक संकरी एवं समान व्यास की नलिका होती है जिसमें उपत्वचा का अस्तर नहीं होता है। अग्रांत्र व मध्यांत्र की संधि स्थल पर अंगुली के समान 6 से 8 अंत नलिकाएं लगी रहती है जिनके सर बंद रहते हैं। इनको यकृतीय या जठरीय अंधनाल कहते हैं। ये 5 करस बनाती है। मध्यांत्र व पश्चांत्र की संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती है जिन्हें मैल्पीगी नलिकाएं कहते हैं। ये हिमोलिम से उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होती है। पश्चांत्र मध्यांत्र से थोड़ा चौड़ा होता है तथा शुदांत्र, वृदांत्र एवं मूत्राशय में विभक्त रहता है। मलाशय बाहर की ओर गुदा द्वारा खुलता है। चौथा प्रश्न, कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला उत्तक कितने प्रकार के हैं? विस्तार में लिखिए। उपकला उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, सरल उपकला उत्तक और संयुक्त उपकला। सरल उपकला एक ही स्तर का बना होता है जहाँ देह गहाओं
वाहिनियों और नलिका का अस्तर है, संयुक्त उपकला कोशिकाओं के दो या दो से अधिक स्तरों की बनी होती है और इसका कार्य रक्षात्मक है जैसे हमारी त्वचा। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला उत्तक तीन प्रकार के हैं। शल्की उपकला, यह एक चपटी कोशिकाओं के पतली स्तर में से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह उत्तक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े की वायु कोश में पाए जाते हैं। ये विसरण सीमा का कार्य करते हैं। घनाकार उपकला, ये उत्तक स्तरीय घन जैसी कोशिकाओं में से बना होता है। ये सामान्यतः वृक्कों को नलिकाकार भागों तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य स्रवण और अवशोषण है। वृक्क में वृक्कों की समीपस्थ विलयत सूक्ष्म नलिका की उपकला के सूक्ष्मानुसार सूक्ष्मांकुर होते हैं। स्तंभकार उपकला, स्तंभकार उपकला लंबी एवं पतली कोशिकाओं की एक स्तर का बना होता है। केंद्रीय प्राय कोशिका एक आधारी भाग में होता है। मुक्त सतह पर प्राय सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर आमाशय आंत्र तथा आंतरिक आस्तर में पाए जाते हैं, श्रवण और अवशोषण में सहायक देते हैं। स्तंभकार उपकला लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। पांचवा प्रश्न, संयोजी उत्तक क्या होता है, इनके कितने प्रकार हैं? संयोजी उत्तक नाम शरीर के अन्य उत्तकों एवं अंग के दूसरे अंग को एक दूसरे से जोड़ने तथा ढीला संयोजी उत्तक आलंबन के आधार पर दिया गया है। संयोजी उत्तक में कोमल उत्तक से लेकर विशेष प्रकार के उत्तक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसीय उत्तक या तथा रक्त सम्मिलित है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी उत्तकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ये उत्तक को शक्ति, प्रत्यास्था एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिका रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करते हैं जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर आधात्री का कार्य करते हैं। संयोजी उत्तक को तीन प्रकार में विभक्त किया गया है, लचीले संयोजी उत्तक, संघन संयोजी उत्तक और विशिष्टकृत संयोजी उत्तक। और इस तरह हमने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं। धन्यवाद।